अस्सलाम वालेकुम अर्ज, वेलकम बैक। आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मुझे एक डाटा सेंड किया गया है जो कि सरफेस का डाटा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम है। उनको इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो का जो मैंने टाइटल रखा है वो है क्राप सरफेस, हाइड सरफेस, एक्स्ट्रापोलेट सरफेस, सरफेस विद स्मूथ कॉर्नर। तो सरफेस विद स्मूथ कॉर्नर उनको रिक्वायर्ड थी, बाकी जो चीज़ें वो मैंने ऐड कर दी हैं ताकि एक ही वीडियो में ये जो है टॉपिक कवर हो जाए। तो वीडियो स्टार्ट करने पर पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। तो ये वो डाटा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने एक लार्ज सरफेस में ये बाउंड्री ऐड की है और अपनी सरफेस को उन्होंने इस बाउंड्री में लेना है। जबकि यहाँ पर अगर कॉर्नर पर देखें तो यहाँ पर भी कॉर्नर में सरफेस नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी ये बाउंड्री लाइन को फॉलो नहीं कर रही, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। और अगर यहाँ पे आप कोई और टाइप की बाउंड्री जो है वो ऐड करना चाहें तो उसमें भी ये सरफेस में अक्सर प्रॉब्लम आती है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। जैसे ये सरफेस है, मैं इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ ताकि हम विजुलाइज कर सकें इसको। यहाँ पे ये सरफेस है और इसका मैं यहाँ से ट्रायंगल जो है वो भी ऑन कर देता हूँ। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन है सरफेस की। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी किसी भी टाइप की बाउंड्री हो जो कि राउंडर शेप में हो, जिसके कॉर्नर हो, तो वहाँ पे हमें जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल लगा दिया है, ओके, तो सर्कल को सबसे पहले आपने पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेता हूं यहाँ पे। जैसे ये सर्कल मैंने ले लिया, यहाँ पे ये पॉलीलाइन है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ओके, तो अगर हम अभी इसको इस सरफेस में ऐड करें, यहाँ से हम इसको ऐड करके देखते हैं कि ये हमारी जो सरफेस बनती है वो कैसे बनती है। ये अक्सर सिविल 3D यूज़र को जो है वो प्रॉब्लम आती है इसमें। तो हम देखते हैं इसको, यहाँ पे मैं बाउंड्री पे ऐड क्लिक करता हूँ और ये मैं इसको जस्ट हाइड बाउंड्री इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर, और इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये जो है, ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके ये जो कॉर्नर आए हैं ये बिल्कुल अरेटक आए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके। तो इसको मैं एक दफा अंडू करता हूँ या इस बाउंड्री को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये बाउंड्री है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दी है, ओके, रिफ्रेश, और यहाँ से मैं इसको रिबिल्ड कर देता हूँ। तो इसको हम एक दफ़ा फिर ऐड करके देखते हैं। पहले हमने यहाँ प्रॉस्पेक्टर टैब से किया है, इस दफ़ा मैं यहाँ से बाउंड्री की कमांड लेता हूँ, मैं फिर इसको 1 का ही नाम देता हूँ। यहाँ पे ये जो मिड ऑर्डिनेट डिस्टेंस लिखा है अभी हम इसको चेंज करके देखते हैं। तो मैं इसको 0.1 करता हूँ, ओके करता हूँ, और मैं इस दफ़ा बाउंड्री को सेट करके ओके करता हूँ। तो इस दफ़ा अगर आप देखें तो ये जो है पहले की नस्बत कदरे जो है वो हमारी एक्यूरेट आई है। तो इसको मैं एक दफा फिर अंडू करता हूँ, ओके, और इसको हम फिर एक दफा इसमें ऐड करके देखते हैं। तो ये आपने अपने हिसाब से ये जो मिड ऑर्डिनेट है आपने इसको यहाँ से मिनिमम कर देना है, ओके, और आपने इसको कर देना है। यहाँ से अगर आप अभी इसका ऑब्जेक्ट व्यूवर चेक करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ आया है इसमें। तो ये इसमें प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि इसका ये जो मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू है, आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली वर्क करेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक और शेप है यहाँ पे, तो इसको भी हम चेक करते हैं बाउंड्री ऐड करके। तो यहाँ पे ये बाउंड्री है, मैं इसको ऐड करता हूँ, मैं इसको 2 का नाम देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इसको हाइड ही रखता हूँ। मिड ऑर्डिनेट ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है, जस्ट इसको मैं ओके करता हूँ, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
अभी हम अगर ऑब्जेक्ट व्यूअर में इसका व्यू चेक करें तो यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और इसकी जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलेशन थी, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उसको सरफेस से मैच भी कर दिया है। तो इसी तरह ये जो सरफेस है, अगर हम इसको भी ऐसे करें तो हम देखते हैं यहाँ पे इसको ऐड करके, तो इस दफ़ा ये हमारी आउटर बाउंड्री होगी, ओके। तो इसको मैं 3 का नाम देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको आउटर बाउंड्री, और यहाँ पे मैं यही मिड ऑर्डिनेट सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से ये जो पोली लाइन है इसको अभी इसमें मैंने सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी भी इसमें जो है वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये कॉर्नर में ये जो है ये ठीक नहीं हुई। तो ये क्यों नहीं हुई है, ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। और यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री नंबर 3 थी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। और इस दफ़ा मैं इसको रीबिल्ड कर देता हूँ। तो ये एज इट इज़ अपनी असली कंडीशन में वापस आ गई है। तो सबसे पहले आपने जो भी बाउंड्री अगर आउटर कर रहे हैं आप, तो आउटर बाउंड्री में जो है जो बाउंड्री आपने सेलेक्ट की है, सरफस उसके बाहर लाजमी होनी चाहिए। तो अभी हम हमारे पास ये जो है सरफस जो है एरिया जो उनको रिक्वायर्ड है वो इसी बाउंड्री का रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम अपनी सरफस को एक्सटेंड करेंगे, तो सरफस को सेम ग्रेड के साथ हम एक्सटेंड करेंगे। इसके लिए हम एक्स्ट्रा प्लेट की कमांड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेट सरफस की जो है कमांड है बाई डिफॉल्ट सिवल 3D में अवेलेबल है, तो मैं इसको लेता हूँ। यहाँ से मैं सरफस को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मुझे पूछा जा रहा है कि आप अपना बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट करें। तो पहले आपने एक पॉइंट पे क्लिक करना है और बाद में जब ये लाइन पूरी कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे आपने लाके एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो मेरे पास जो है, मैं जस्ट इसको 10 मीटर कर लेता हूँ। यहाँ से अब अभी अगर आप देखें तो हमारी सरफस जो है सेम ग्रेड से चारों साइड से ये जो है वो एक्स्ट्रा जो है आ गई है हमारे पास। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सेम ग्रेड के साथ ये जो है सरफस जो है वो बाहर की तरफ जो है एक्सटेंड हो गई है। अभी हमने जो है इसमें अपनी जो बाउंड्री है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे ये जो है ये सरफस है हमारी, यहाँ से ये बाउंड्री है, यहाँ पे ये जो ऐड करना है हमने 3 करना है, और मिड ऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी जो सेट कर दिया, और ये हमारी सफा आउटर बाउंड्री होगी। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी सरफस जो है वो बिल्कुल स्मूथली जो है हर कॉर्नर से इसके साथ मैच कर रही है पोली लाइन के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी अगर हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ओके, हर साइड से ये अपने कॉर्नर के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो मैच कर रही है। यहाँ से हम इसका जो है वो ऑब्जेक्ट व्यूअर भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या ये वाकई राउंड हुई है या नहीं हुई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, तो ये जो है ये बिल्कुल राउंड हो गई है। तो यहाँ पे जो है हमने क्रॉप सरफेस भी देख लिया है, हाइट सरफेस देख लिया है, एक्स्ट्रा इंटरपोलेट। अभी क्रॉप सरफेस जो है वो भी आप इसको कर देख सकते हैं। यहाँ से अभी अगर हम इस सरफेस को क्रॉप करना चाहें तो वो क्रॉप भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सरफेस टैब में यहाँ पे क्रिएट क्रॉप सरफेस है, यहाँ पे ये क्रॉप सरफेस मस्ट बी सेव, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पे ये जो है ये क्रॉप सरफेस की ऑप्शन है, यहाँ से आपने जो है सबसे पहले सरफेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मेरे पास ये जो डिज़ाइन के नाम से सरफेस है, सेलेक्ट क्रॉप एरिया। तो क्रॉप एरिया के लिए हमने पहले जो है अपना एक पॉलीगॉन वगैरह जो है वो ड्रा कर लेना है। तो हम यहाँ पे पॉलीगॉन कर लेते हैं या सर्कल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्कल ही कर लेता हूँ क्योंकि जनरली जो है वो राउंड शेप में ही प्रॉब्लम आती है क्रॉप के दौरान, ओके। इसको आपने सेव करना है और यहाँ से आपने क्रॉप सरफस को ले लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी सरफस है और यहाँ से ये जो मेथड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ले लें, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ओके, और यहाँ पे पॉइंट इन क्रॉप एरिया। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। अभी है ड्राइंग फॉर न्यू सरफस, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्रिएट ए न्यू ड्राइंग, ओके, क्रिएट ए न्यू ड्राइंग। और यहाँ से आपने इसको जो भी आपकी टेम्पलेट है आपने सिलेक्ट कर लेना है। ड्राइंग हमारी ओपन हो गई है, तो यहाँ पे सरफस नेम आपने दे देना है कोई भी, मैं इसको 1, 2, 3 का नाम दे देता हूँ। और यहाँ से आपने अपना सरफस स्टाइल जो है वो असाइन कर लेना है, मैं जिस इसको एलिवेशन बॉन्डिंग दे रहा हूँ।
ओके, लेयर वगैरह जो है वो अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको बाई डिफॉल्ट ही ले रहा हूँ और मैं जस्ट इसको ओके करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो हमारी सरफेस बनी है, यहाँ पे आपने जेड इंटर ए इंटर करना है, तो इसमें ये जो है वो सेम प्रॉब्लम ही आई है। ओके, तो मैं इसको एक दफ़ा जो है यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखें, ये सर्कल हमने लगाया था, तो इसको जो जो है आपने अपने पॉलीलाइन में पहले कन्वर्ट कर लेना है। मैं इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसके लिए आप लिस्ट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट इसको बाउंड्री की कमांड दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये जो है पॉलीलाइन, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं सरफेस एरिया में मूव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास मिड ऑर्डिनेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, जस्ट अपना मॉडिफाई टैब में जाना है। यहाँ पे ये जो इंसर्ट पीआई की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये जो है इंक्रीमेंट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने इसको 0.001 पे आपने इसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिसीजन पॉइंट 0.001। ओके, मॉडिफाई, इंसर्ट पीआई, ओके, सिलेक्ट, ओके, इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, और यहाँ पे 0.001, और राइट क्लिक कर देना है आपने। इंसर्ट पीआई, ओके, ओके, 0.1। तो यहाँ पे मैंने 0.1 किया, इसको जस्ट ओके कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस पे ऑलरेडी जो है वो बहुत करीब करीब पॉइंट लग गए हैं। तो अभी हम इसको क्रॉप सरफेस की ऑप्शन लेते हैं, सेव कर लेनी है ड्राइंग आपने। और यहाँ पे सरफेस, क्रॉप सरफेस, सेम आपने जो है मेथड जो है वो आपने लेना है यहाँ पे। ओके, ये मैंने इसीलिए किया है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत सिविल 3D यूज़र को आती है, तो इसलिए मैंने पहले इसको ऐसे ही करके दिखाया है कि कैसे प्रॉब्लम आती है और फिर इसको सॉल्व कैसे करना है आपने। तो क्रिएट ए न्यू ड्राइंग और सिलेक्ट एन ओपन ड्राइंग। ओके, यहाँ पे ड्राइंग टू ऑलरेडी ओपन है हमारे पास, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने इसको नाम दे देना है। ओके, और यहाँ पे आपने इसका जो सरफेस स्टाइल है वो असाइन कर देना है। मैं एलिवेशन बाउंडिंग कर रहा हूँ और जस्ट मैं इसको ओके करता हूँ। तो अभी हम ड्राइंग टू में देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मूथ है, जिसके साथ हमारी 0.1 मिड ऑर्डिनेट पे ही ये सरफेस जो है वो बन गई है। तो अभी हम इसका ऑब्जेक्ट व्यूअर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें बिल्कुल ये स्मूथ आई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सरफेस के एलिवेशन के हिसाब से ही आई है। अगर आपका एलिवेशन अप डाउन होगा तो फिर 3D व्यू में वो आपको अप डाउन ही ऐसे नज़र आएगी और टॉप व्यू में बिल्कुल सर्कुलर नज़र आएगी। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम सरफेस को क्रॉप कैसे कर सकते हैं और इसको एक्स्ट्रापोलेट कैसे कर सकते हैं और इसके एजेस को स्मूथ कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।